आप लोग पवन सिंह का फैन हो या खेसारी लाल का फैन हो, अगर आप ये दोनों में से किसी का फैन हो तो आपको आज एक बात जानना चाहिए कि पवन सिंह या खेसारी दोनों में से ज्यादा पैसा कमाता कौन है, पैसा आखिर में कमाता कौन है ज्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना गा के। हम आज आपको वही बताने के लिए आए कि पवन सिंह नंबर वन कि खेसारी लाल नंबर वन। आज नंबर वन जो होगा उसके बारे में आज हम आज बता देंगे खुल के। और इसके बाद अगर आप लोग पवन सिंह का सपोर्टर हो तो विरोध मत करना है वीडियो का, या खेसारी लाल का सपोर्टर हो तो भी विरोध मत करना, क्योंकि मैं सच पे बात करता हूँ। जितना हो सके वीडियो शेयर झट से कर दो यार, झट से कर दो। और चलो बताते हैं कि कौन सबसे ज्यादा माल छाप रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो देखो पवन सिंह का भी गाना टॉप लेवल का होता है और खेसारी लाल का भी गाना टॉप लेवल का होता है, दोनों का गाना वायरल होता है। खेसारी लाल का भी गाना अभी बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है ये वाला गाना। वाला गाना एक हफ्ता से YouTube ट्रेंडिंग में है, तो आप लोग भी समझ गए कि एक गाना से खेसारी लाल कितना पैसा कमाया होगा। लेकिन बाबा सिंह कहीं पीछे भी ना है। दोनों का गाना बहुत अच्छा खासा चलता है और बहुत ज्यादा वायरल भी होता है। तो क्या गाना से हम लोग अनुमान लगा ले कि पवन सिंह ज्यादा कमाता है कि खेसारी लाल? न लगा सकते हैं, अंजाद कंफ्यूज हो जाएगा दोनों वोटा और ऐसा ही अंजाद हैवो ना करे। हम आपको बता देंगे सही अंजाद क्या है। तो देखो पवन सिंह यूट्यूब से अच्छा खासा कमाता है, खेसारी लाल भी यूट्यूब से अच्छा खासा कमाते हैं। लेकिन अभी बात करते हैं सबसे पहले पवन सिंह का। तो पवन सिंह यूट्यूब से जितना कमाता है उतना क्या फेसबुक पेज से कमाते हैं? फेसबुक पेज पे पवन सिंह का कितना फॉलोवर्स है आप लोग यहाँ होम स्क्रीन पर देख सकते हो, कितना फॉलोवर्स है? 4 मिलियन, समझ रहे हो? 4 मिलियन है पवन सिंह का फॉलोवर, 4 मिलियन पवन सिंह का है। तो खेसारी लाल का कितना फॉलोवर्स है फेसबुक पर? तो आप भी यहाँ देख सकते हो खेसारी लाल का भी 4 मिलियन ना है, 5.5 मिलियन है, यानी पवन सिंह से 1.5 मिलियन ज्यादा फॉलोवर्स है फेसबुक पेज पे। अब आगे के बात करते हैं कि आगे मखिन में कमाता कौन है पैसा जाते। अब दूसरा प्लेटफॉर्म का भी बात कर लेते हैं। इंस्टाग्राम पे पवन सिंह का है फॉलोवर्स 2.7 मिलियन, नहीं समझ रहे हो, 2.7 मिलियन है। वही खेसारी लाल का इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स है 3.3 मिलियन। तो आप लोग समझ रहे हो फेसबुक पर भी खेसारी लाल का फॉलोवर्स ज्यादा है और इंस्टाग्राम पे भी खेसारी लाल का फॉलोवर्स ज्यादा है, और जिसका ज्यादा फॉलोवर्स उसको उतना ज्यादा पैसा। आप लोग समझ रहे हो? तो यहाँ अगर मैच करेंगे तो खेसारी लाल अभी ज्यादा पैसा कमा रहा है पवन सिंह से, यानी पवन सिंह से भी ज्यादा नंबर वन अभी खेसारी लाल है, ट्रेंडिंग स्टार सुपर स्टार भोजपुरी का खेसारी लाल है। लेकिन अभी अब बात करते हैं कि पैसा आखिर में YouTube, Facebook, Instagram, Twitter अगर सबका पैसा अगर मिलाते हैं तो पैसा ज्यादा खेसारी लाल कमा रहा है कि पवन सिंह, वो अब हम आपको बताते हैं। खेसारी लाल यादव एक गाना खाती 12 से 14 लाख रुपया तक चार्ज करे ले, पावर स्टार पवन सिंह एक गाना खाती 15 से 17 लाख रुपया चार्ज करे ले। खेसारी लाल से 1.5-2 लाख रुपया ज्यादा पवन सिंह एक गाना का लेते हैं। तो एक गाना का था पवन सिंह ज्यादा पैसा ले लेते हैं खेसारी लाल से, लेकिन खेसारी लाल का फॉलोवर्स फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम ये सब पर ज्यादा है। और अगर खेसारी लाल किसी भी चीज का ब्रांड प्रमोशन करते हैं तो पवन सिंह से ज्यादा पैसा लेंगे, क्योंकि खेसारी लाल का ज्यादा फॉलोवर्स है अभी इस सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम ट्विटर इस सब पर से फेसबुक। तो पवन सिंह से ज्यादा पैसा लेकर तक कमा लेते हैं फेसबुक उसबुक से खेसारी लाल, और पवन सिंह एक गाना का ज्यादा पैसा ले लेते हैं खेसारी लाल से 1.5-2 लाख रुपया। तो अगर दोनों को इक्वल इक्वल मिलाएंगे ना भैया, तो खेसारी लाल भी सेमे कमाते हैं 17 लाख रुपया और पवन सिंह भी सेमे कमाता है 17 लाख रुपया। तो दोनों मानो तो भोजपुरी इंडस्ट्री का शेर है, दोनों सेमे कमाता है। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हो, पवन सिंह बेस्ट है, पवन सिंह ज्यादा कमाता है खेसारी लाल, वो हमको कमेंट कर सकते हो। और ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करो यार, वीडियो शेयर होना चाहिए। और यूट्यूब पे देख रहे हो तो नीचे डाल के उसको लगाकर चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन और करके दबा लो। फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करो और शेयर कर लो। चलो यार फिर मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।